अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और खुर्रम रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ डिनर। रात के डिनर की तैयारी हो रही है और ये तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम है, तो मैं इसलिए लेट खड़ी हुई हूँ। रोटियाँ तो मैंने अभी भी बनाई हैं, गर्म ही रखी, लेकिन अभी लेट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि गोश्त तो बॉयल है। मैंने सोचा चलो बॉयल गोश्त के कुछ करके देखते हैं, थोड़ा जुगाड़ करना है मुझे। कल मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी तो थोड़ी खट्टी हो गई थी, तो वो भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी गोश्त में जी। तो यहाँ पे देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो मैंने चटनी आप लोगों को बताया चटनी बनाई थी वो। इसी तरह से निपटेगी वरना तो ये ख़राब हो जाएगी, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया फ्रिज भी हमारा ख़राब है, गर्मियाँ वैसी हैं। तो बस मैंने सोचा क्यों ना जुगाड़ कर लिया जाए थोड़ा। इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें मसाले ऐड करूंगी मैं, पूरी घरेलू जो होते हैं अपने बेसिक मसाले। थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर नमक, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हल्दी, ये देखें इसका अल्लाह करे कि टेस्ट अच्छा निकले, देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर हम डाल देंगे तीखी मिर्च, वैसे तो मिर्चें हैं इसके अंदर काफ़ी, लेकिन हम फिर भी थोड़ी ऐड कर देते ताकि अभी गोश्त भी तो शामिल होगा ना इसके अंदर। तो ये डाल दी मैंने 2 चम्मच मिर्चें भर के, इसकी भुनाई करी अच्छे से। गोश्त की जो है ना बोटियां मैंने छोटी कर दी थी उबालने के बाद, छोटी कर दिया। थोड़ा मैंने प्लाव में ऐड करा था, प्लाव में ले लिया था गोश्त आधे से ज्यादा, और थोड़ा बचाया था वो सालन में मैं शामिल कर दूंगी। और इसके अंदर मैं डालूंगी छोटा हुआ धनिया, क्योंकि मैंने एक कच्चा हुआ था थोड़ा सा कूच के, तो बचा हुई है चॉपर में करके रख दिया था। ये डाल दिया कुटा हुआ धनिया, बिस्मिल्लाह। बस सब कुछ पका पकाया है, गोश्त भी भुना उबला हुआ है, ये टमाटर वगैरह भी सब कुछ बने हुए हैं हल्का सा, बस उसका मसालों का कच्चापन ख़त्म करना है। अब गोश्त डाल दूँगी, थोड़ी सी बोटियाँ मैंने कही थी अलग, इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर का जो रस वगैरह है जो जूसी वगैरह बोटी के अंदर भी चली जाए, ताकि बोटी मसाला जब कर ले इसका, रूखी फीकी ना लगे बोटी। तो बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको रख दूंगी थोड़ी देर। शक्ल से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं खा के देखते, और हरी मिर्च काट के डाल दूंगी थोड़ी सी। तो ये मैंने 3 हरी मिर्चें ले ली, इनको मैं काट के डाल दूंगी आपको, पहले बारीक बारीक काटे हैं बड़ी, जैसे भी काटने के बाद टेस्ट अलग आता है हरी मिर्चों का। बस अब इसको हल्का सा भुनाई करके बस समझे 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी, बस उसके बाद खा लेंगे हम। हाँ जनाब, तो हमने खाना खा लिया था, खाना बहुत टेस्टी बना था, हस्बैंड जी तारीफ ही करे जा रहे थे माशाल्लाह से, कहते कि तुमने शुक्र है जुगाड़ लगा ली, दोनों चीज़ें तुमने इस्तेमाल कर ली, होश भी क्योंकि ख़राब हो जाता कल तक, आप लोगों को पता गर्मियाँ हैं। तो खैर वो बहुत खुश थे, और ये मैंने सोचा चलो बर्तन थोड़े से हैं वो भी निपटा देती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों को दवा वगैरह देनी है और सुलाना है, क्योंकि तकरीबन
दिन 11 बजे का टाइम है। अभी हस्बैंड बाहर से स्पैगेटी भी लेके आ गए थे, तो बस वो खा खू के फारिग हुए थे। दवा टाइम पे दे दूँ, अभी सोते सोते भी बच्चे 12 तो बजा ही देंगे, क्योंकि मैं जा रही हूँ जल्दी, क्योंकि उनकी सेटअप ज़रा सही है। बस बर्तन भी थोड़े से थे, बता दिए थे मैंने, और रोटी भी सुबह के लिए बच गई है, सुबह मैं रोटी ही तलूंगी। बच्चों को तो मैंने दूध रोटी देती थी, चूर के खाते हैं, छुट्टी जो करते हैं ना रोटी को चूर के, उसमें तो दूध डाल के चीनी वगैरह डाल के मैंने उन लोगों को दे दिया था, तो बहुत शौक से खाते थे ना। बड़े वाले की तबीयत ठीक नहीं है, उसको ज़रा हर चीज़ में उसका नखरे हो रहे हैं, थोड़ा सा ही खा रहा है, और बस मना कर देता कि नहीं मम्मा बस अब नहीं खा रहा मैं, तो उसको ज़रा ज़बरदस्ती खिलाया था अभी। तो खैर वो लोग खा कर फारिग हो गए, अब ये कि थोड़ा हजम भी हो जाएगा, उन लोगों को खेल लेते, फिर उसके बाद मैं अब दवा दे के उन लोगों को सुला दूँगी। कि मेरा काम भी समझे निमट गया है थोड़ा सा, बस बाकी है तो पता है सोते सोते बस काम होते ही रहेंगे। अभी बच्चे की फीडर वगैरह वॉश करनी है छोटे वाले की, किचन से तो कहाँ छुट्टी मिलती है, पवन एग्री करेंगे आप लोग को ऐसे इस बात को, ये हमारा काम निमट गया है। और एक ही मैंने शीशी के अंदर ही लगाए हुए हैं आर्टिफिशियल फ्लावर, तो इस पर इतनी डस्ट आ गई, मैंने सोचा चलो अभी इसको भी वॉश कर देते हैं। इतने इतने से काम होते हैं मगर रह जाते हैं बात बात का सोच के। ये वॉश हो गया है, देखें साफ सुथरे हो गए। अब मैं इसको वापस शीशी के अंदर डाल दूंगी, शीशी के अंदर देखें मैंने पानी डाला हुआ है और उसके अंदर कलर डाला हुआ है, फूड कलर ही डाल दिया था, मेरे पास और कुछ था नहीं, मैंने सोचा चलो फूड कलर डाल देते, तो ये कुछ ऐसी निकल रही है। ये देखें अच्छा लग रहा है, निखरे निखरे से पत्ते लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। रेड उसकी वो है चेरी टाइप कुछ बना हुआ है वो है, और उसका पानी भी रेड कर लिया, तो लुक अच्छी आ गई उसकी। डिवाइडर देखें, इसको भी साफ़ करना है मुझे किसी दिन, क्योंकि देखें बर्तन मैंने तरतीब से नहीं रखे हुए सेटिंग से, तो बस इनको भी रखना है। बस तो यहीं तक की थी मेरी सिंपल सी नाइट रूटीन, उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किए बगैर मत जान जाइएगा। और यहाँ पे बस मैं देखें ये कोशिश कर रही थी बनाने की, लेकिन ये नहीं बन पा रहा। अगर ब्लू वाले बनाती हूँ तो वो समझे 2 बच जाते, कितने बनते हैं 7 बन जाते हैं और 2 बच जाते हैं। आपको पता नहीं किस टेक्निक से ये बनता है, बाकी में मुझसे तो नहीं बन रहा, कोशिश कर रही हूँ बार बार लेकिन नहीं बन रहा। तो इसको तो मैंने फिर रख दिया था साइड में, मैंने बोला रहने दो बस ऐसे ही रहने देते हैं। और बस तो आप लोग मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।